नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा एक सीरीज़ का, नाम है चक्रव्यूह, आई है MX प्लेयर पे। हिंदी के अलावा ये भोजपुरी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी उपलब्ध है। डायरेक्टर हैं इसके साजिद वारियर। दोस्तों, स्टोरी लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर अच्छे बुरे के बारे में बात करेंगे। यहाँ कहानी कुछ कत्ल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। शहर में कुछ युवा लड़के लड़कियों का कत्ल हो रहा है और ये कत्ल एक तरह का पैटर्न है, एक सीरियल किलिंग के जैसी चीज़ होती रहती है। और जिन लोगों को शिकार बनाया जाता है उनको बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है, यहाँ तक कि उनके शव को भी छत विच्छत कर दिया जाता है। पुलिस इससे बड़ी परेशान है और फिर ये मामला पहुंचता है क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वीरकर इसकी जांच शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर वीरकर की भूमिका में है प्रतीक बब्बर। और जब वीरकर इसकी जांच अपने हाथ में लेते हैं तो उनको लगता है कि ये जो कत्ल है ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, कुछ और भी खेल इसके पीछे है और कुछ बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि एक नेटवर्क के जैसी चीज़ चला रहे हैं और कत्ल को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद फिर क्या चीज़ें सामने आती हैं ये तो आप सीरीज़ में ही देखेंगे और इस जांच के साथ ही इस सीरीज़ की भी कहानी आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, यहाँ आप देखिए तो स्टोरी जो है, बेसिक स्टोरी वो ठीक ही है और ठीक हो सकती थी। यहाँ एलिमेंट सारे हैं। यहाँ देखिए सीरियल किलिंग जैसी कोई चीज़ है, एक नेटवर्क है, कुछ साजिश है और फिर यहाँ डार्क वेब की बात होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से न कहानी हमारे सामने पेश की गई और इसका स्क्रीन प्ले बेहद ही ख़राब रहा। एग्जीक्यूशन भी उतना ही खराब आपको यहाँ दिखता है। यहाँ बहुत चीज़ें हैं जो कि हास्यास्पद हो जाती है। हालांकि बनाने वालों को ये लग रहा है कि हम कोई गंभीर चीज़ बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं कि गंभीरता बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। दोस्तों, यहाँ देखिए कि एक रखा गया है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इनकी भूमिका निभाई है गोपाल दत्त ने, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय पिज्जा खाता रहता है। अब ये ठीक है कि फॉरेंसिक वाले लाशों को देख करके उतना मतलब परेशान नहीं होते, उनका दिल दहल नहीं उठता है, लेकिन ये भी क्या बात हुई कि एक आदमी है हमेशा पिज्जा ही खाता रहता है और उसी के लिए परेशान रहता है। यहाँ देखिए दोस्तों, डार्क वेब की बात की गई है या क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है, लेकिन कंप्यूटर की इनकी समझ कितनी है इस बात का अंदाजा आप एक दृश्य से लगा सकते हैं। यहाँ प्रतीक बब्बर अपने एक सहयोगी के साथ बैठे हैं, एक कंप्यूटर को वो अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे पासवर्ड लगा हुआ है और फिर वो गलत पासवर्ड डाल देते हैं, कंप्यूटर जो है वो सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड में चला जाता है। लेकिन होता क्या उसके बाद, उसके बाद उस कंप्यूटर से चिंगारियां निकलने लगती हैं, कीबोर्ड में चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें आग नहीं लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से दिखेंगी। यहाँ जो घपला है वो करीब 4 करोड़ रुपये का है, एक किरदार है जिसको 2 करोड़ रुपये मिल जाते हैं और 2 करोड़ रुपये में वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है आलीशान, क्या बंगला उसने बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है। अरे भाई, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में आपको एक फ्लैट ही 2 करोड़ रुपए का मिलता है। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको गड़बड़ दिखती रहती हैं। यहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रतीक बब्बर जरूर ठीक यहाँ लगे हैं और बहुत कलाकार आपको दिखेंगे, सिमरन कौर मुंडी हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, शिव पंडित आपको दिखते हैं, गोपाल दत्त हैं, रूही सिंह हैं और ये सब एवरेज के इर्द गिर्द ही आपको दिखते रहते हैं, कोई बहुत अट्रैक्ट आपको नहीं करता। हाँ देखिए दोस्तों, आसिफ बसरा भी देखते हैं, हालांकि उनका अब देहांत हो चुका है लेकिन इस सीरीज़ में शायद वो काम कर चुके थे और उनको पर्दे पे देखना थोड़ा ठीक ज़रूर ही लगता है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ है MX प्लेयर की और MX प्लेयर की सीरीज़ है तो यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, ड्रग्स, शराब, ये सारी चीज़ें तो होनी ही है और यहाँ है भी और खूब भर भर कर है। शुरुआत के एपिसोड में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ कोई मतलब सेमी पॉर्न जैसी चीज़ ये बना रहे हैं। और दोस्तों देखिए, अभी हो ये रहा है कि OTT कंटेंट की बहुत कड़ी निगरानी हो रही है, किसी भी के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है या कहीं नोटिस वगैरह सर्व हो रहे हैं
लोग शिकायतें लेकर के अब जा रहे हैं, और यहाँ एक सेंसरशिप जैसी भी बात हो रही है। लेकिन जिस तरह का कंटेंट ये MX प्लेयर वाले बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं, और दूसरे भी ऐप हैं हालांकि, तो ये लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेंसरशिप लगवा करके एक अलग सेंसर बोर्ड बनवा कर ही मानेंगे। यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं थी इस तरह की न्यूडिटी वगैरह को दिखाने की, लेकिन यहाँ उन्होंने दिखाया है, खूब भर भर करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये है 8 एपिसोड की, एपिसोड करीब आधे आधे घंटे के हैं, और अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ अपनी ख़राब राइटिंग एग्जीक्यूशन के चलते एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही रह जाती है, और इसीलिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों, चक्रव्यूह के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।